हेलो एवरी वन माई नवि सार्पे एंड वेलकम बैक टू ऑन द केस स्टडी विद ब्रिटिश और यू कैन सी दिस थिंग कि मैं आज बहुत ज़्यादा थका हुआ दिख रहा था मे बी यू माइट फील कि मेरी आवाज़ में इतनी ताकत नहीं है आज बट इट इज़ जस्ट बिकॉज मैं कल रात भर उठा था मैं कोर्ट के स्टेटमेंट का वेट कर रहा था और कल रात को पुलिस ने एक फोटो डाली थी जिससे अब इस केस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई तो so अगर ऐसा लगता है कि आज मेरी ताकत नहीं है दैट इज़ द ओनली रीज़न बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आज सोना थैंक एवरी वन जिन्होंने मुझे लास्ट वीक यू पी आई पे डोनेट करा था अगेन इट्स नॉट नेसेसरी बट रियली हेल्प्स मी आउट अल आउट As most of my are and main अपने UPI से ही लेता हूँ मैं आज नाम लगभग सभी ने मुझे पिछले हफ्ते इस केस के बारे में बात करने के लिए बोला so डोनेट करा एंड इन मई डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट कोर्ट फाइनल स्टेटमेंट आर ये अगर आप्यूचर में देख रहे हैं तो प्लीज पहले पिंड कमेंट चेक कर लें नाइन्थ नवंबर को मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस को एक मिसिंग लड़की के लिए अवेयर कर रही थी ये लड़की मुंबई की ही थी पर ये कहीं दिनों से गायब थी और इसी वजह से अब उसके घर वालों को काफी चिंता होने लगी थी शिफ्टेड केस थे तो दिल्ली पुलिस को थोड़ा अजीब सा लगा इस रिक्वेस्ट को सुनकर बट नॉट टेकिंग दिस रिक्वेस्ट लाइटली वो लोग श्रद्धा नाम की लड़की को ढूंढने लगे दे सर्च हर एवरीवेयर पर लास्ट में उन्हें सिर्फ श्रद्धा के टुकड़े मिले सो लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड आफ्ताब पुणे वाला ए श्रद्धा वालकर वसाई महाराष्ट्र सत्ताईस साल की श्रद्धा अपनी फैमिली के साथ ही रहती थी जिसमें उसके डैड विकास मदन वालकर उसका बड़ा भाई श्रेजा और उसकी मम्मी सुमन मदन वालकर रहती थी थोड़ा बड़ा होने पर श्रद्धा के डैड ने बच्चों की पढ़ाई के लिए वसाई छोड़कर पालघर मूव करने की सोची तो उनकी पूरी फैमिली पालघर मूव हो गई और श्रद्धा ने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी यहीं बिताई थी उनकी फैमिली ठीक ही थी वो ज़्यादा गरीब भी नहीं थे वो ज़्यादा अमीर भी नहीं थे पर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से सुमन और विकास के बीच में बात नहीं होती थी तो श्रद्धा के डैड सुमन श्रिजा और श्रद्धा से अलग ही रहते थे हार्ड तो था ही उनकी फैमिली पर पर श्रद्धा ने इस बात को उसकी प्रोग्रेस के लिए रोकने नहीं दिया और वो पढ़ती रही एच शी इवन वेंट टू कॉलेज जब श्रद्धा बीस साल की हुई तो उसने सोचा कि अब बहुत हो गया है कब तक हमारी मॉम हमें सपोर्ट करती रहेगी मुझे खुद से कुछ काम करना चाहिए तो पाल घर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से श्रद्धा ने मुंबई मूव करने की सोची जहाँ जाने से पहले ही श्रद्धा ने एक फ्रेंड के थ्रू एक कॉल सेंटर में जॉब ढूंढ ली थी और ट्वेंटी एटीन में श्रद्धा मलार अपने फ्रेंड के घर गई और जॉब शुरू होने के कुछ हफ्ते बाद उसने वही मलाड में अपने ऑफिस के पास एक कमरा भी ले लिया था थोड़ा टाइम लगा उसे एडजस्ट होने में पर वो स्लोली फ्रेंड्स बना रही थी एंड ऑन हर ओन बेस वो मुंबई कल्चर में सेटल होने का ट्राई कर रही थी न्यू सिटी इज़ ऑलवेज कैरी चाहे वह अपने ही स्टेट की क्यों ना हो इसलिए श्रद्धा ये नया चैप्टर शुरू करने के लिए खुश तो थी पर वो थोड़ा एंशियस भी फील करती थी और इस कॉल सेंटर में काम करते हुए श्रद्धा एक पुराने दोस्त से मिली आफ्ताब पुणे वाला आफ्ताब ने अपनी स्कूलिंग सेंट फ्रांसिस स्कूल वसाई से करी थी जहाँ श्रद्धा पैदा हुई थी और आफ्ताब अपनी फैमिली के साथ ही रहता था उसकी मॉम हाउस थी और आफ्ताब के डैड शू रिटेलर थे His parents were really proud of him और अपने बेटे को बी करने के लिए उन्होंने मुंबई भेज दिया था ये बात थोड़ी सी अनक्लियर है कि आफ्ताब और श्रद्धा ऑफिस से पहले कैसे मिले थे पर ऑफिस ज्वाइन करते वक्त श्रद्धा को यह नहीं पता था कि आफ्ताब वहाँ काम करता है ऑफिस में नया होने की वजह से और एक नई सिटी में होने की वजह से भी श्रद्धा वॉज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स उसने एक फेमिलियर फेस देखा अपने ऑफिस में एंड श्रद्धा ने आफ्ताब को बात करने के लिए अप्रोच करा एंड उन दोनों में रेगुलरली बात होती थी कॉल सेंटर में एंड कॉल सेंटर के बाहर भी ये दोनों बहुत मिलने लगे साथ में घूमने गए साथ में खाने गए एंड सून दे बिकेम वेरी क्लोज एंड ज्यादा टाइम नहीं बीता था पर दोनों ही रिलेशनशिप में आ गए थे रिलेशनशिप शुरू होने के कुछ हफ्ते बाद ही आफ्ताब ने श्रद्धा को यह प्रपोज करा कि लेट्स बी इन रिलेशनशिप मुंबई में इतना खर्चा है और वैसे भी हम दोनों साथ में ही हैं हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं सो इट जस्ट मेक्स सेंस और उस टाइम की कंडीशन देखकर श्रद्धा ने इस चीज के लिए हाँ बोल दिया था सो इट वेंट फ्रॉम श्रद्धा नई नई मुंबई में आई थी वो अपने काम पर आफ्ताब से मिली और मिलने के कुछ महीनों में ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया अरे ये दोनों साथ में रहने लगे रस्ट रिलेशनशिप बोल सकते हो तुम लोग है ना बाहर से तो प्यार दिखता है पर अंदर हमें क्या पता कि क्या हो रहा था और श्रद्धा ने यही सेम बात अपनी मोम को भी बताई श्रद्धा ने अपनी मोम को आफ्ताब के बारे में सारी डिटेल बताई लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी बताया पर इसी के साथ श्रद्धा ने अपनी मोम को एक और चीज़ बोली थी उसने अपनी मोम से कहा कि मैं आफ्ताब से शादी करना चाहती हूँ और श्रद्धा का पूरा नाम था श्रद्धा मदन वालकर एक हिंदू और आफ्ताब का पूरा नाम था आफ्ताब अमीन पूने वाला एक मुस्लिम तो श्रद्धा की मम्मी ने इस रिलेशनशिप के लिए सीधा मना कर दिया उसकी मम्मी ने कहा कि एक सेकंड के लिए अगर मैं समझ भी जाऊँ तुम्हारे रिश्ते को तो हमारी फैमिली ये चीज़ नहीं समझेगी और हमारी फैमिली ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी इंटर रिलिजन मैरिज ही इज़ अ मुस्लिम और हम हिंदू हैं ये सब बोल कर उसकी मोम ने श्रद्धा को आफ्ताब से अलग करने की कोशिश करी पर जब श्रद्धा नहीं मानी तो सुमन जी ने श्रद्धा के डैड विकास से कहा कि वो श्रद्धा को समझाए शी इज़ योर डॉटर तो क्या पता वो आपकी बात समझ जाएगी और आपकी बात मान भी लेगी श्रद्धा के डैड विकास भी इस मैरिज के अगेंस्ट ही थे पर श्रद्धा ने किसी की बात नहीं मानी और अपनी फैमिली से ना सुनने के बाद वो उनसे अब झगड़ा करने लगी थी श्रद्धा का भाई भी इस फाइट में इन्वॉल्व हो गया था पर यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि श्रद्धा ने अपने घर छोड़ने की धमकी और उस अपने पेरेंट्स से कहा कि अब मेरी कोई फैमिली नहीं है इसके बाद मुझे प्लीज़ कभी कॉन्टैक्ट मत करना और इतना बोलकर वो हमेशा के लिए अपना घर छोड़ कर चले गई सितंबर 2019 में श्रद्धा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर आफ्ताब के पास चले गई उसकी फैमिली ने भी कांटेक्ट कट कर दिया था उससे बस श्रद्धा का भाई कभी कभी उसकी व्हाट्सएप स्टोरी या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी देख लेता था पर दिसंबर में उसकी मोम को उसकी बहुत याद आई एंड ट्रेस्ड कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से श्रद्धा की मोम ने उसे दिसंबर ट्वेंटी में कॉल करा श्रद्धा की मोम ने उसे फिर से समझाया पर वो नहीं मानी तो लास्ट में श्रद्धा की मम्मी ने भी हार मान ली और कहा कि तुम्हें अगर कभी भी वापस आना हो तो भैया और मैं यहाँ हमेशा हैं तुम्हारे लिए तुम बस अपना ध्यान रखना मैं भी श्रद्धा की मम्मी उसे कन्विंस कर सकती थी वापस घर आने के लिए बट नेक्स्ट मंथ ऑन ट्वेंटी जनवरी उसकी मॉम की डेथ हो गई दिस टोटली ब्रोक श्रद्धा और अपनी मॉम की रस्म होने के बाद वह आफ्ताब से काफी ज़्यादा अटैच हो गई पर जो ये अटैचमेंट था ये हेल्दी रिलेशनशिप से टेदर हो रहा था श्रद्धा के डायट के अकॉर्डिंग आफ्ताब श्रद्धा को मारता था उसकी सैलरी से अपने लिए गांजा खरीदता था और श्रद्धा से घर की ग्रोसरीज भी मंगाता था यस दे वर लिविंग टुगेदर पर घर का ज्यादातर खर्चा श्रद्धा ही उठाती थी वो ही पूरे साल भर ऑफिस जाती थी जबकि आफ्ताब ज्यादातर टाइम घर में बैठा रहता था अपनी बीवी की डेथ के बाद श्रद्धा के डैड ने उसे तीन बार कॉल करा और तीनों बार श्रद्धा ने अपने डैड को सेम स्टोरी सुनाई उसके डैड ने उसे कहा कि मुंबई छोड़ के वापस आ जाओ वहाँ क्या रखा है तुम्हारे लिए पर श्रद्धा बार यही बोलती रही कि आफ्ताब दिल का अच्छा है बस अभी टाइम मुश्किल चल रहा है उसके लिए इसीलिए वह ऐसी हरकतें करता है और जो ये लास्ट थर्ड कॉल थी ये श्रद्धा और उसके डैड के बीच में आखिरी कन्वर्जेशन थी कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था उनके बीच में अब पर जैसा कि मैंने बताया श्रद्धा का भाई श्रीजा उसके इंस्टा और व्हाट्सएप स्टेटस चेक करता रहता था तो ये हैबिट अब श्रद्धा के डैड ने भी डाल ली थी सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मेरी बेटी कैसी है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या मेरी बेटी जिंदा है जस्ट लाइक एनी अदर टीनेजर श्रद्धा ने पहले अपने डैड को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट से ब्लॉक करा था पर उसकी मॉम की डेथ के बाद शायद उसका मन बदल गया और उसने अपने डैड को अनब्लॉक कर दिया बट द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हेयर इज कि श्रद्धा के पोस्ट के थ्रू श्रद्धा के स्टेटस के थ्रू ही उसकी फैमिली को पता चलता था कि वो कुछ कर रही है वो जिंदा है या फिर कहाँ पर है श्रद्धा के डैड को श्रद्धा के स्टेटस से ज़्यादातर टाइम पर यही लगता था कि वो ठीक नहीं है अब मैं थोड़ा रिपोर्ट्स और न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू जो 2018 में जब श्रद्धा मूव हुई थी तो आर्टिकल्स को रेफरेंस करते हुए मैं श्रद्धा की 2018 की के बारे बताता हूँ तुम्हें मैंने जो ये फर्स्ट हाफ इस वीडियो का ये पूरा श्रद्धा पर ही फोकस रखा है बिकॉज एम प्रटिश श्योर दैट यू नो कि ये कहाँ पर लीड हो रहा है मेरा ये मानना है कि मुजरम से ज़्यादा हमें विक्टम पर फोकस करना चाहिए पर इस केस में हमें आफ्ताब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आफ्ताब स्कूल में बहुत ब्राइट था कॉलेज में भी बहुत ब्राइट था पर आफ्ताब ही वॉज काइंड ऑफ अ प्लेयर अगेन मोस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन इज रेफरेंसिंग टू द न्यूज़ आर्टिकल्स तो श्रद्धा से पहले आफ्ताब मुंबई में रहता था और श्रद्धा से पहले भी आफ्ताब कहीं सारे रिलेशनशिप में कहीं सारे फीलिंग्स में कहीं सारे हुक्म में रह चुका था आफ्ताब डेटिंग ऐप पर भी काफ़ी एक्टिव था जहां से वो श्रद्धा से मिला था मुंबई में अगेन इट्स अनक्लियर कि ये दोनों मिले कैसे थे पर इतना क्लियर है कि ऑफिस जाने से पहले ये दोनों एक दूसरे को जानते थे और जो ये डेटिंग एप्स वाली बात है श्रद्धा के एक फ्रेंड ने कंफर्म करी है इसीलिए मैं यहाँ पे रिले कर रहा हूँ श्रद्धा के एक फ्रेंड के अकॉर्डिंग श्रद्धा बहुत ही ज्यादा फ्री स्पिरिटेड लड़की थी एंड उसकी हॉबी थी सोलो ट्रेवलिंग पर आफ्ताब से मिलने के बाद श्रद्धा पूरी चेंज हो गई थी ऑफिस से फ्लैट फ्लैट से ऑफिस ऑफिस से फ्लैट बस यही उसकी पूरी जिंदगी बन चुकी थी पूरा वक्त आफ्ताब के पास रहना और मॉम की डेथ के बाद उस पर इमोशनली और फिजिकली रिलाय करना कहीं ना कहीं ये चीज श्रद्धा पर हावी पड़ रही थी तो 2020 में मार्च के आसपास श्रद्धा ने आफ्ताब को दोबारा एक डेटिंग ऐप चलाते हुए देख लिया था जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुई और ये चीज जायज भी है यू हैव अ वो भी लिविंग वाली तो तुम्हें डेटिंग एप्स मैसेज करने की क्या जरूरत है और यही सेम चीज श्रद्धा ने भी आफ्ताब को कही पर आफ्ताब ने श्रद्धा को गैस लाइक करने की कोशिश करी और कहा कि तुम बार बार पैरानॉइड बिहेव कर हो दिस इज ड्राइविंग मी क्रेजी ये सारे डेटिंग एप्स मैंने तुम्हारे टाइम से ही रखे हैं इसीलिए मैंने कभी अनइंस्टॉल नहीं करे कर कि इस बीच आफ्ताब ने अपना फ़ोन चेंज कर लिया था विच मैंट कि उसने नया फ़ोन लेने के बाद ये ऐप्स वापस इंस्टॉल करे थे और इसी बात पर उनकी लड़ाई शुरू हुई फिर आफ्ताब ने सॉरी बोला और उन दोनों की फाइट रिजॉल्व हो गई इसके कुछ महीने बाद एक दिन श्रद्धा ने आफ्ताब को ऑफिस में एक और लड़की के साथ देख लिया था एंड बोथ ऑफ देम सीम प्रिटी क्लोज तो श्रद्धा आफ्ताब पर ऑफिस में ही गुस्सा हो गई जिसकी वजह से फिर इनके बीच में लड़ाई हुई आफ्ताब ने फिर सॉरी बोला और फिर इनके बीच में सब सॉल्व हो गया कुछ हफ्ते बाद जब आफताब और श्रद्धा सो रहे थे तो अचानक रात में आफताब को किसी लड़की का कॉल आया और ये देख कर इनके बीच में फिर लड़ाई हुई आफ्ताब ने फिर सॉरी बोला एंड आई यू गेट द पॉइंट सो बाहर से इट इट सेम लाइक दैट अ वेरी हैप्पी एकदम प्यार प्यार है दोनों के बीच पर अंदर से आफ्ताब की हरकतों की वजह से श्रद्धा को काफ़ी इनसिक्योरिटी फील हो रही थी पर इन दोनों की जब भी लड़ाई होती थी हमेशा श्रद्धा लास्ट में आफ्ताब को माफ कर ही देती थी क्योंकि श्रद्धा को ये होप थी कि लास्ट में आफताब और मेरी शादी होनी ही है पर सैडली आफताब का ये प्लान नहीं था इनफैक्ट आफताब को तो शादी करनी ही नहीं थी और इसी वजह से फिर से श्रद्धा को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील हुआ और ये चीज़ पूरा 2019 2020 2021 वन तक चली थी 2021 में आफताब के घर वालों को ये पता चल गया था कि हमारा बेटा एक हिंदू लड़की के साथ इन में है और सेम श्रद्धा की फैमिली की तरह ही आफ्ताब के फैमिली ने भी इस चीज के खिलाफ विरोध कराई नो वाई वर्ड केम टू मी बट या अगेंस्ट दिस रिलेशनशिप और उन्होंने को साफ कहा कि तुम घर आ जाओ ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगी इसीलिए अपना और इस लड़की का वक्त बर्बाद मत करो आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में भी काफी प्रॉब्लम्स थी उनकी फैमिली भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती थी देवर पब्लिकली फाइटिंग और अब लास्ट में आफ्ताब की फैमिली ने भी मना कर दिया था तो सब चीजों से तंग आकर आफ्ताब ने श्रद्धा को अपना एक प्लान बताया उन्होंने सोचा कि लेट्स मूव टू दिल्ली उधर काम भी अच्छा और काफी आसानी से मिल जाएगा हमें और हमारा दोस्त भी वहाँ है तो एक नई लाइफ अपनी फैमिली से दूर मुंबई से दूर एक ऐसी लाइफ शुरू करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आफ्ताब के पास कुछ पैसे बचे थे पर श्रद्धा का ज्यादातर पैसा बस ग्रोसरीज में लगता था और इन एक्सपेंसेस को छोड़कर वो अपना सारा का सारा पैसा बचा रही थी तो श्रद्धा की सेविंग्स देखते हुए उन दोनों ने यह सोचा कि लेट्स एक्चुअली डू दिस थिंग वो दोनों ही काफी खुश थे इस फैसले से

कि ये घर उसके लिए एक बहुत ही बड़ा कर्ज साबित होगा दिल्ली में आए हुए और नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हुए श्रद्धा और आफ्ताब को बस नौ दिन हुए थे और जो इनकी रिलेशनशिप में मुंबई से टेंशन थी वो दिल्ली में भी कंटिन्यू हो गई श्रद्धा को ये लगा कि अब तो हम एक नई सिटी में साथ रह रहे हैं एक नई सिटी में आ गए हैं अब तो हमारी रिलेशनशिप सीरियस है तो उसने आफ्ताब से एक और बार पूछा शादी के लिए और आफ्ताब ने फिर से मना करा आफ्ताब ने श्रद्धा से कहा कि हम लोग लेवन में रह रहे हैं हम दोनों खुश हैं ये सब कुछ ठीक तो है तुम तो हमारी खुशी बर्बाद क्यों करना चाह रही हो एंड दे स्टार्टेड टू हैव फाइट्स इन दिल्ली एज वेल ऊपर से ज्यादातर खर्चा दिल्ली में श्रद्धा ही उठा रही थी तो ब्रिटिशर उसे अंदर से अनइजी भी फील हो रहा होगा या फिर ऐसा हो सकता है कि उसे यूज सा फील हो रहा हो तो एटीनथ में ट्वेंटी ट्वेंटी टू को शाम को खाना खाने के बाद श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में किसी चीज पर लड़ाई हो पहले तो इन दोनों की बात सॉरी या अपोलोजिस्ट से फिक्स हो जाती थी पर इस बार ये फाइट इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि मारपीट तक पहुंच गई आफ्ताब ने पुलिस पे यह खुद एडमिट करके कहा की एटींथ मे को उसका गुस्सा काफी बढ़ गया था श्रद्धा की शादी की डिमांड बार बार सुनकर आफ्ताब से उस दिन रुहा नहीं गया उसने गुस्से में श्रद्धा का गला पकड़ा और उसे तब तक दबा कर रखा जब तक श्रद्धा नीली नहीं पड़ गई श्रद्धा अब सांस नहीं ले रही थी और अपने एंगर के वेल से बाहर आकर जब आफ्ताब को ये चीज़ रियलाइज हुई तो उसने धीरे से अपना हाथ श्रद्धा के गले से हटाया और अब काफी लेट हो चुकी थी ए श्रद्धा शिवस्त आफ्ताब से सब कुछ एकदम अचानक से हुआ था तो उसे पता नहीं था कि मुझे अब क्या करना चाहिए या फिर उसे ये नहीं पता था कि मैं अपने आप को अब कैसे बचाऊं उसने पहले ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज जुडिशरी डॉक्यूमेंट्रीज और लॉ स्टडीज देखी थी पर उस मोमेंट में उसे कुछ समझ नहीं आया बट आफ्ताब ने पुलिस से यह कहा कि इवन इन दैट सिचुएशन ही वॉज वियरली रिलैक्सड इतना रिलैक्सड कि उसने जिस कमरे में श्रद्धा को मारा था उसने वो कमरा बंद करा और दूसरे कमरे में जाकर सो गया अगले दिन वो मार्केट गया और एक बड़ा फ्रिज एक आरी पोलिथीन बैग्स एक बैकपैक, पैक ब्लीच और कुछ केमिकल्स अलग अलग दुकान से लेकर अपने अपार्टमेंट वापस आया अपार्टमेंट वापस आकर उसने श्रद्धा की बॉडी को खींच के रूम से बाथरूम में धकेला उसकी बॉडी को बाथरूम में सीधा रखा और अपने राइट हैंड साइड पर शावर इस तरीके से खोला कि जो शावर का पानी है वो श्रद्धा की बॉडी पर गिरा और फिर आरी से उसने श्रद्धा की बॉडी को

फ्रिज में घुसाया होगा बट द वे ही इज मैनिपुलेटिंग पुलिस इट इज क्लियर दैट इट डिड नॉट फेस एट ऑल इसके बाद उसने खाना बनाया उसने खाना खाया उसने अपना फ्रिज खोला वहां से दूध निकाला अपने लिए चाय बनाई चाय पी और क्योंकि वो ये सीन दिन भर कर रहा था तो ही वॉज वेरी टायर्ड तो वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया अगले दिन फिर से सेम चीज़ आफ्ताब ने बॉडी को बाहर निकाला बाथरूम में ले गया शावर खोला और फिर सेम साइकिल पर फिर दूसरे दिन श्रद्धा का हिप वाला एरिया काटते हुए आफ्ताब के लेफ्ट वाले हाथ में चोट लगी थी पहले तो उसने ये सोचा कि शायद ज्यादा गहरी चोट नहीं है पर जिस सौ से वो चीज़ काट रहा था उसका हैंडल और मेटल वाला पार्ट भी बार बार उसके हाथ में लग रहा था और जो फिर उसका शावर वाला पानी था उसमें केमिकल मिले हुए थे तो इसकी वजह से उसके हाथ में काफी दर्द होने लगा एंड जब उसने देखा तो इट वॉज अ वेरी डीप कट और इस चीज़ को फिक्स करने के लिए इस चीज़ को पट्टी लगाने के लिए वो एक डॉक्टर पे गए डेट अप्रोक्सीमेटली नाइनटीन मे का था और मॉर्निंग आवर्स में आया था अराउंड के बीच में और ही लाइंग इन माय कंपाउंडर कंपाउंडर केम्पटू मी ही सेड डॉक्टर साहब एक पेशेंट लेटा हुआ है उसको एक थोड़ा छोटा सा कट लगा हुआ है सो सुपरफिशियल इंजरी है तो मैं गया वहाँ पे उसको देखा मैंने पूछा कैसे कट हुआ ये तो बोला कि मैं फ्रूट कट कर रहा था और ये मेरी नाइफ स्लिप कर गई और ये कट हुआ है तो देखने में जो वंड था वो क्लीन था इन साइज़ था बिल्कुल मतलब क्लीन एन साइज़ वंड ऐसा लग रहा था कुछ चार पेपन से हुआ ये मैंने पूछा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ मारपीट कहीं हुई है कहीं चाकूबाजी कुछ हुई है बोला नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है ये एक्सीडेंटल कट हो गया फिर बातों बातों में उसने बताया कि मैं एक्चुअली आई एम नॉट फ्राम डेली आई एम फ्राम मुंबई आज टीम वाई डिड यू मूव टू डेली तो फिर बताया उसने बाद में कि डॉक्टर साहब वहाँ पे यहाँ पर आई टी आई टी सेक्टर काफ़ी अच्छा है और सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है दिल्ली में तो मैं उधर से इधर आया हूँ तो पुलिस ने यह भी कहा है कि वो पूछताछ के दौरान हिंदी में बात नहीं कर रहे हैं आफ्ताब वो सिर्फ अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं कि यहाँ भी ऐसा ही था यहाँ पर भी सिर्फ इंग्लिश से बात कर रहा था वो मैंने कुछ हिंदी क्यों नहीं बोल रहा है या तुमको हिंदी नहीं आती है तो वो शायद ज़्यादातर तो इंग्लिश इंग्लिश में कंफर्टेबल था वो English का यहाँ पर क्या रोल है वी डोंट नो अभी क्योंकि पुलिस से भी सिर्फ इंग्लिश में बात करता है बट वी विल कम बैक टू दिस पॉइंट अब जब डॉक्टर से टाँके मार कर ये घर वापस आया वो भी मई की गर्मी में दिल्ली में तो मई में, में बहुत गर्मी होती है और श्रद्धा की बॉडी को अब पूरा एक दिन हो गया था इसलिए अब कमरे से बदबू आनी शुरू हो गई थी तो इस बदबू को भगाने के लिए उसने हर कमरे में सेंट छिड़का अगरबत्ती जलाई फिर वापस काटा और फ्रिज में अब रात ज्यादा हो गई थी और आफ्ताब का हाथ भी दर्द कर रहा था तो उसने फूड डिलीवरी से फूड डिलीवरी से अपने लिए खाना ऑर्डर करा और अपने डोर तक डिलीवरी करवाई आफ्ताब को इतना भी डर नहीं था कि कोई उसे देख लेगा आई जनवली डोंट नो की वट काइंड ऑफ ही हैज या फिर ये स्टोरी सच भी है कि नहीं या वी डोंट नो दैट क्या सच में जो भी आफ्ताब ने बोला है ये सच है पर इस प्रोसेस में अब उसे दो दिन हो गए थे और तीसरे और फाइनल दिन उसने फाइनली पूरी बॉडी काट कर प्लास्टिक बैग में डाल दी थी ब्लीच और केमिकल से उसने बाथरूम को अच्छे से साफ करा ताकि कोई खून या स्किन के अंश बाथरूम में ना हो और लास्ट में सिर्फ बचा था श्रद्धा का सर जो कि उसने दोबारा एक और प्लास्टिक बैग में रखा और फिर आफ्ताब आराम से बैठ सोचने लगा दिल्ली में वो अभी नया नया था उसे अपने आस की जगह का कुछ भी पता नहीं था तो आफ्ताब ने फ्रीजर से कुछ प्लास्टिक बैग निकाले उन्हें अपने बैग में रखा और 20 मई की रात करीब एक से दो बजे के बीच आफ्ताब अपना अपार्टमेंट बंद करके इन प्लास्टिक बैग्स को अलग अलग जगह फेंकने चले गया अपने अपार्टमेंट से थोड़ा दूर उसे मेहरूली जंगल दिखा तो आफ्ताब ने अपने फ़ोन की लाइट जलाई जंगल के अंदर घुसा और उसने ये प्लास्टिक बैग्स उधर ही फेंकने शुरू कर दिए थे फ़ोन की लाइट बंद करके वो जंगल से बाहर निकला ताकि पुलिस या कोई आदमी उसे ना देख ले इस जंगल वाले एरिया में काफ़ी लोग दारू पीने आते थे तो उससे ये डर था कि कहीं उसे कोई देख ना ले वो घर वापस आया और फिर उसने उस दिन कितने प्लास्टिक बैग और कितने टुकड़े फेंके हैं उन्हें काउंट करने के लिए एक डायरी में उसने नोट शुरू कर जो कि बाद में ये डायरी पुलिस को मिली गई शरीर के कितने टुकड़े करे उसने और कितने प्लास्टिक बैग फेंके इस चीज को काउंट करने के लिए उसने एक नोट बनाए ऐसे टाइप का आदमी था आफ्ताब इसी डायरी में आफ्ताब ने एक रफ साइड का प्लान भी बना रखा था कि उसने कहाँ और फ्यूचर में उसे कहाँ पर ये प्लास्टिक बैग्स फेंकने हैं जैसे कि महरूली के जंगल मेदांगी तालाब गुरुग्राम डीएलएफ एंड और भी बहुत सारी साइट्स ही एंड एवरीथिंग ताकि वो सेम जगह पर प्लास्टिक बैग्स बार बार ना फेंके वो इस डर में था कि कहीं ज्यादा जंगली जानवर या फिर कुत्ते एक जगह पे कलेक्ट ना हो जाए क्योंकि अगर ऐसा होता तो पुलिस वहां पे पक्का चेक करने आती है और वो जल्दी पकड़ा जाता और यही पैटर्न उसने अगले दस बारह दिन तक फॉलो कर जब तक लास्ट में श्रद्धा का सिर्फ सर बचाता फ्रिज में इस बीच आफ्ताब अब ऑफिस नहीं जा रहा था और अब उसने श्रद्धा का फोन चलाना भी शुरू कर दिया था श्रद्धा के फोन से वो व्हाट्सएप वो मैसेजेस इंस्टा स्टोरीज और कुछ फ्रेंड्स को रिप्लाई करता था ताकि उन्हें यह लगे कि श्रद्धा अभी भी जिंदा है पर सबसे बड़ी चीज जो आफताब ने इस बीच करी वो ये थी कि श्रद्धा के फोन से आफताब ने अपने, अपने अकाउंट में 54000 रुपीस ट्रांसफर कर दिया वाकूड मोर एक्सक्लूसिव डिटेल्स ऑन द श्रद्धा मर्डर केस अविया बीइंग टोल्ड दैट

कि श्रद्धा की फैमिली उसके कांटेक्ट में नहीं है मुंबई के उसके दोस्त उसके कांटेक्ट में नहीं है और आफ्ताब के तो कोई दोस्त उसे पूछेंगे ही नहीं उसे बस सोशल मीडिया पे ये प्रटेंड करना था कि श्रद्धा अभी भी जिंदा है एंड वो एकदम क्लियर में था आफ्ताब अपने किसी पड़ोसी से बात नहीं करता था और ज़्यादातर टाइम पर अपना कमरा बंद ही रखता जब वो ये सारे प्लास्टिक बैग फेंक रहा था तो उसे थोड़ा ईज लगा होगा तो वापस वो अपने रूटीन में आया और उसने वापस डेटिंग ऐप्स खोलने शुरू किया इन डेटिंग ऐप्स के थ्रू वो एक लड़की से मिला उसने इस लड़की को अपने घर बुलाया उन दोनों ने वहाँ रात में खाना खाया टाइम स्पेंड करा और वो लड़की वहीं सोई उस द क्रेजी थिंग वॉज कि अभी भी श्रद्धा का सर फ्रिज में ही था नो फेयर और लाइक नो रिग्रेट इन आफ्ताब हार्ट आखिर पाँच जून को आफ्ताब ने श्रद्धा के सर को ठिकाने लगाने की सोची उसने श्रद्धा का सर लिया और पता नहीं किस लोकेशन में ले जाकर उसने श्रद्धा का सर जमीन में रखा उसने कैरोसिन से श्रद्धा के सर को आग लगा दी ताकि पुलिस को अगर ये सर मिल भी जाए किसी चांस से तो वो ये पहचान ना पाए कि यह एक्चुअली था कौन और फिर उसने इसी सर को जमीन के अंदर काट दिया था और इतने दिनों तक ये सब करने के बाद वो वापस अपने घर आ गया जून 2022 से नवंबर 2022 तक छह महीने लग गए किसी को भी इस बात की भनक लगने में किसी को भी किसी चीज का पता लगने में छह महीने में अलग अलग बॉडी पार्ट डिकम्पोज हो गए और सिर्फ हड्डी में छह महीने में श्रद्धा का सर जमीन के अंदर डिकम्पोज हो गया पर इन छह महीनों में हुआ क्या अगर तुम्हें तो याद होगा कि श्रद्धा के डैग और उसका भाई उसकी स्टोरी से ही पता करते थे कि श्रद्धा ठीक है या नहीं तो पहले तो आफ्ताब श्रद्धा के फोन से प्रिटेंड करता रहता था कि श्रद्धा जिंदा है पर फिर उसने फाइनली सोचा कि अब मैं ऐसा क्यों करूं? तो जून में आफ्ताब किसी काम से मुंबई आया उसने श्रद्धा का फोन मुंबई में स्विच ऑफ करा और वही फोन उसने मुंबई में कहीं फेंक दिया था अब फोन स्विच ऑफ होने की वजह से श्रद्धा की फैमिली को कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रहा था उसके लिए तो वो कंसर्न होना शुरू हो गए श्रद्धा के डैड ने उसके दोस्तों को कॉल करके पूछा कि क्या हो रहा है अरून से विकास जी को यह पता चला

and a uh, few days later, we see a sudden change in her behavior. this was uh, uh, towards the end of our graduation 2018. and uh, we were surprised that why is shada, uh, i mean, where is the spark that she had? and, uh, you know, 2018 was last when we saw a sudden change in her. Hmm. and we got to know that she got into a secret relationship with uh, aftab in the year 2018. Mm -hmm. And in 2019 was when uh, she made it official announced uh, to all our friends that you know she is in relationship with him and uh, it was like a lovely relationship uh, as shown uh, in the start but then you know it was informed to us uh, by Shraddha herself that uh, this boy Aftab is being violent to her, uh, he beats her, uh, she is mentally affected uh, but she is in love. नहीं थी के साथ। और अब उसके को काफी चिंता होने लगी और फिर था खार कर उन्होंने पालघर लोकल पुलिस स्टेशन में श्रद्धा की मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी पर क्यूँकी श्रद्धा की लास्ट लोकेशन दिल्ली की थी तो ये केस मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर हुआ और दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आसपास पूछताछ शुरू कर दी दिल्ली पुलिस मेहरूली में श्रद्धा के ऑफिस उसके फ्रेंड्स और आफ्ताब से क्वेश्चन पूछ रही थी जो कि मर्डर करने के छः महीने बाद भी उसी अपार्टमेंट में रह रहा था सेम प्लेस जहां वो और श्रद्धा पहले रहते थे सेम प्लेस जहाँ उसने श्रद्धा को मारा था जीसस पर आफ्ताब ने पुलिस से कहा कि श्रद्धा अब मेरे साथ नहीं रहती है उसने ये स्टोरी बनाई कि वो कुछ महीने पहले ही अपने आशिक के साथ यहाँ से भाग गई थी पुलिस ने भी सोचा यार ये दिल टूटा आशिक है और उसे ज्यादा तंग नहीं करा और उस समय आफ्ताब ने पुलिस के सामने एकदम इनोसेंट एकदम क्लूलेस सा बिहेव करा और शुरू से ही ये इंग्लिश में बात कर रहा था तो पुलिस ने ज्यादा झड़प भी नहीं करी फिर कुछ भी क्लू न मिलने के बाद श्रद्धा के डेथ नाइन्थ नवम्बर को दिल्ली आ गए उन्होंने फिर दिल्ली में श्रद्धा की मिसिंग रिपोर्ट लिखा उन्हें डिटेल्स दी श्रद्धा का पूरा बैकग्राउंड बताया और बार बार एक ही नाम सामने आ रहा था आफ्ताब पुलिस इस बार फिर गई आफ्ताब के पास और इस बार आफ्ताब ने प्लीडिंग भी में पुलिस से कहा कि मुझे नहीं पता पर आप प्लीज श्रद्धा को ढूंढ दीजिए क्योंकि ये बेचारी एटीन में से ही गायब थी मैंने भी उसे कहीं बार कॉल करने की कोशिश करी कहीं बार व्हाट्सएप पर उसे मैसेज करा पर वो कॉल नहीं उठा रही है और ना ही रिप्लाई कर रही है पर जब पुलिस ने आफ्ताब की कॉल रिकॉर्ड चेक करी तो एटीन मे के बाद आफ्ताब ने एक बार भी उसने एक बार भी श्रद्धा को कॉल नहीं करी थी। और एटीन मे के बाद श्रद्धा और आफ्ताब के फोन के बीच में बस एक ही इंटरेक्शन था वो फिफ्टी फोर थाउजेंड वाला आफ्ताब अब प्राइम सस्पेक्ट बन गया था पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले गई उससे क्वेश्चन करने लगी और आफ्ताब ने पुलिस को ये पूरी स्टोरी खुद से ही बता और उसने वर्बली एक्सेप्ट करा कि उसने ही श्रद्धा को मारा है आज 22 नवंबर 2022 है और आज सबसे बड़ा हिकअप इस केस में यह है कि एविडेंस कहाँ है अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पुलिस के हाथ में एक भी एविडेंस नहीं लगा है। पर उन्हें ये बोन्स श्रद्धा का चौ और टीथ मिल गए हैं, जो कि एक डॉक्टर ने चेक करा है कि शायद श्रद्धा के हो सकते हैं श्रद्धा के दो कैनाल रूट्स थे और पुलिस को मिली हुई चौ में भी दो कैल रूट्स होने के पॉसिबिलिटी है तो अभी तक तो पूछने पर पुलिस को ये पहला एविडेंस मिला विच अगेन ये हड्डियां किसी की भी हो सकती है एक जानवर की भी हो सकती है फिर पुलिस ने आफ्ताब से पूछा कि जब तूने उसे मारा तो उसने कपड़े पहने होंगे वो कपड़े कहाँ हैं तो आफ्ताब ने बोला मैंने श्रद्धा के कपड़े दो अलग अलग पार्ट में फेंके है एक तो उसके घर के पास में डमसर था उसने श्रद्धा के कपड़े वहाँ फेंक दिए दूसरा उसके घर से दूर एक कूड़ा दे बहुत बड़ा उसने श्रद्धा के आधे कपड़े वहाँ फेंके और ये चीज उसने इसलिए करी ताकि पुलिस को अगर आधे कपड़े मिले भी तो वे पूरा आइडेंटिफाई ना कर पाए इस चीज़ को और आरी जिससे उसने ये सब कुछ काटा था उसका हैंडल निकाल कर मेटल पार्ट को उसने गुरुग्राम की साइड और हैंडल को तालाब की साइड फेंक दिया अभी तक के एविडेंसेज यही हैं और अगेन अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देखना है तो प्लीज़ चेक आउट द पिन कामेंट बट वाई डिड ही डू फिफ्टी फोर पीसेस की क्या जरूरत थी वो ऐसे ही फेंक सकता था उसकी पूरी बॉडी को वेल एज़ आई सेड कि आफ्ताब इज़ वेरी नॉलेजबल ही इज़ वेरी स्मार्ट जितना अभी तक मीडिया से मैं समझाओ और जितना अभी तक मैंने इस केस के बारे में पढ़ा है ही सीम लाइक अ वेरी केपेबल एंड वेरी लाइक आउटफिटेड स्मार्ट मैन उसको ये पता है कि अगर एक पूरी बॉडी मिल गई तो डी एन ए टेस्ट करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है फॉरेंसिक बहुत ज्यादा आसानी से उसको पता कर सकती है कि कौन आदमी है पर अगर यही बॉडी पार्ट अलग अलग होंगे वो भी छः महीने के पीरियड में तो कहीं ना कहीं फॉरेंसिक लैब में भी ये पता करना मुश्किल हो जाएगा कि, कि ये जानवर की हड्डी है जानवर का बॉडी पार्ट है फिर डिकम्पोज होने के बाद ये भी मुश्किल आता है कि अगर ये आदमी का ही है तो क्या यह श्रद्धा का ही है इस रिगार्ड में बोल रहा हूँ मैं कि ही इज़ वेरी स्मार्ट बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग टेक्स्टर अगर तुम लोगों ने टेक्स्टर देखा तो ही इज फॉलोइंग टेक्स्टर ओनली इस पॉइंट पर एक और बात है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे जब आफ्ताब ने एक्सेप्ट कर ही लिया है कि उसी ने श्रद्धा को मारा है वर्बली उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसी ने श्रद्धा को मारा है तो कोर्ट उसे जल्दी जल्दी फांसी की सजा या फिर जेल की सजा क्यों नहीं सुना ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि, कि किसी कल्परेट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसी ने क्राइम करा है कोर्ट इट वर्क्स ऑन एविडेंसेस जो कि अच्छी बात भी है और कई सारे केसेस में बुरी बात भी है तुम तो लोग एविडेंसेस कर सकते हो अपने फेवर में पर यहाँ पे एविडेंसेस दे विल प्ले अ वेरी मेजर पार्ट अब आज आफ्ताब ने पुलिस को हाँ बोल दिया कि मैंने श्रद्धा को मारा उसने पुलिस से प्रॉमिस भी कर दिया कि मैं कोर्ट में जाके भी यही बोलूंगा कि मैंने श्रद्धा को मारा कल जब वो कोर्ट में जाएगा और एविडेंसेस ना होने की वजह से ये बोल देगा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा था पुलिस ने मुझे प्रेशर करा था ये बोलने के मुझसे फोर्सफुली ये बुलवाया गया था वरना मुझे पुलिस मार रही थी दिस होल थिंग इट विल टर्न ऑन पुलिस और जितने भी लोग इस केस को मैनेज कर रहे हैं उन सब की नौकरी जाएगी इसीलिए इस केस में ये प्रूफ करना बहुत जरूरी है सबसे पहली बात तो ये कि श्रद्धा मर चुकी है और दूसरी बात ये प्रूफ करना बहुत जरूरी है कि आफ्ताब ने ही श्रद्धा को मारा वेलविद well, अभी के लिए ये केस यहीं पर रुकता है बिफोर यू आई वाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल की अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं देन प्लीज डोनेट टू मी ऑन यू पी आई सीरियसली इज वेरी हेल्पफुल टू मी क्योंकि मैं अपना प्रोडक्शन अपग्रेड करना चाहता हूँ आई वन बाई नये And any help that you guys can do, it's uh, like I really appreciate that thing. Not necessarily, but if you can, then please do it. And yeah, subscribe to me before I hit a million. Please take care of yourself. Please keep your loved ones very close to you. Yes, especially loved ones go to the contact. Yeah, be good. And I will see you very, very soon. Bye bye.